हेलो फ्रेंड्स, आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में जो आपकी अप्रेंटिस की वैकेंसी है, प्रयागराज में जो अप्रेंटिस निकाली गई है, 1600 प्लस वैकेंसी निकाली गई है। इसके ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो चुके हैं, अप्रेंटिस के ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो चुके हैं। कैसे आप जो है अप्रेंटिस के लिए अप्लाई करना, आपको इस वीडियो में आपको कम्प्लीट प्रोसेस दिखाऊँगा, स्टेप बाई स्टेप कैसे आपको अप्लाई करना है। इसके लिए जो है ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट जो है अप्रेंटिस का फॉर्म भर सकते हैं और ख़ुद से आप अपना अप्रेंटिस का फॉर्म भर सकते हैं। कैसे आपको फिलअप करना है, इस वीडियो में आपको जो है स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो सिर्फ आपको जो है अंत तक जरूर देखनी है। ये मैंने अप्रेंटिस की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर ली है, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे की प्रयागराज की वेबसाइट है ये। इसका जो डायरेक्ट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप जो है डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। या मैंने आपके लिए एक जो है व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है, जहाँ पर आपको हर गवर्नमेंट जॉब की जानकारी की अपडेट भी दी जाती है। इसलिए आप जो है जल्द से आप जो है व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। ये प्रयागराज में आपकी अप्रेंटिस की वैकेंसी नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में। देखिए ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके ऑनलाइन फॉरम है आज से शुरू हो चुके, 16 सितंबर से ऑनलाइन फॉरम शुरू हो चुके, 15 अक्टूबर 2024 तक आप जो है इसका ऑनलाइन फॉरम भर सकते हैं। ये वैकेंसी जो है आपकी अप्रेंटिस की वैकेंसी, आरआरसी एनसीआर में आपकी वैकेंसी है, प्रयागराज में आपकी वैकेंसी है। ऑनलाइन तरीके से आपने जो इसके लिए अप्लाई करना है। उसके बाद जो इसमें जो आपकी जो लेवल वन की पोस्ट होती है, जिसमें 18,000 से 56,900 तक आपको सैलरी मिलती है, उसमें 20% आपकी वैकेंसी होती है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 20% वैकेंसी जो है आईटीआई के लिए जो है इसमें रिजर्व होती है। आईटीआई मतलब कि अप्रेंटिस के लिए जो है रिजर्व होती हैं, जिन्होंने रेलवे से आईटीआई का अप्रेंटिस कर रखी है उनके लिए 20% अलग से वैकेंसी इसमें जो है रिजर्व होती हैं, तो आपके लिए बेनिफिट होगा। इसमें एज की बात करें तो एज आपकी जो है इसमें 15 अक्टूबर से एज काउंट की जाएगी। इसमें 15 से 24 साल इसमें आपकी एज होनी चाहिए। एससी एसटी को 5 साल और ओबीसी को इसमें जो है 3 साल की एक्स्ट्रा आपको छूट भी दी जाएगी इसमें। उसके बाद इसमें जो क्वालिफिकेशन आपसे वही बात करेंगे, ये आपकी जो है एज के अकॉर्डिंग है, कब से कब तक कैंडिडेट इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर उसकी लिस्ट दी गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपने सिंपल जो है 10th क्लास पास कर रखी हो और अप्रेंटिस साथ आईटीआई आपने साथ में कर रखी हो, तो आप इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। 10th क्लास आपने 50% के साथ कर रखी है और प्लस में आईटीआई कर रखी है, तो आप इसके लिए जो अप्लाई कर सकते हैं। ये ट्रेड आपकी दी गई इसमें, इसमें जो टोटल ट्रेड आपकी टोटल ट्रेड की लिस्ट है वो 22 ट्रैक इसमें लिस्ट आपकी दी गई ट्रेड की। आप अपने अकॉर्डिंग जो है इनमें से किसी भी ट्रेड से हैं आप, तो आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन मैं व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दूंगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं कैसे इसके लिए अप्लाई करना। आपको इस वेबसाइट पर आएंगे आप, यहाँ से आप जो है खुद भी नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए डाउनलोड नोटिफिकेशन का लिंक भी दिया गया है, इस पर से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके बाद न्यू कैंडिडेट के लिए यहाँ पर स्टेप 1 पर आपको क्लिक करना है। जैसे स्टेप 1 पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको जो है आपकी स्टेट आपसे पूछ रहा है किस स्टेट से आप, जैसे मैंने हरियाणा डाल दिया यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर अपना नाम डाल देंगे आप, जो भी 10th क्लास की मार्कशीट सर्टिफिकेट में वही डिटेल आपको डालनी है। उसके बाद आप जो है डिवीज़न या यूनिट जो भी आप जहाँ पर आप जो है अप्रेंटिस करना चाहते हैं, प्रयागराज, झांसी, आगरा या वर्कशॉप में झांसी में, जैसे मैंने आगरा डाल दिया है। उसके बाद यहाँ से अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे आप, जर्नल ओबीसी एसटी एसटी जो भी हैं अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप हिंदू मुस्लिम जो भी वो डाल देंगे। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर यस नो करेंगे। उसके बाद एक्स सर्विसमैन है तो यस नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है, एज आपकी जो 15 अक्टूबर से काउंट की जाएगी। उसके बाद यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और ये कैप्चा यहाँ पर शो हो रहा है, ये डाल के रजिस्टर्ड पर नाउ पर क्लिक करना आपको। उसके बाद देखिए जैसे ही आप कर देंगे तो आपका अकाउंट सक्सेसफुली हो जाएगा। यहाँ पर रिगार्डिंग टू लॉगिन पर क्लिक करना, ये आपका एप्लीकेशन नंबर रहेगा और यहीं पर आपको पासवर्ड दिखाएगा। और जो आपने अपना मोबाइल नंबर दिया उस पर भी आपके पास सेंड हो चुका है, आपके पास आ चुका है, तो उसके बाद रिगार्डिंग टू लॉगिन के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो स्टेप 2 है जो इस पर आपको जो है अपना एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड जो आपके पास है वो ये कैप्चा यहाँ पर फिलअप करके लॉगिन के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। देखिए जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपका अकाउंट वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर नीचे आएंगे तो आप यहाँ पर देखिए अपनी पर्सनल डिटेल आपको डालनी है, जैसे कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आपका जेंडर क्या है, मेल फीमेल डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर अपने फादर का नाम, अपना आधार कार्ड नंबर, उसके बाद यहाँ पर अपनी नेशनलिटी डाल देंगे आप, इंडियन। उसके बाद आपके शरीर पे कोई भी निशान, जैसे कट का निशान है या तिल का निशान है, तो उनकी डिटेल आपको डालनी है। उसके बाद एड्रेस आपको फिलअप करना है, परमानेंट एड्रेस जो भी आपका वो यहाँ पर डाल देंगे, कंप्लीट एड्रेस। उसके बाद यहाँ पर अपनी स्टेट डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर नीचे अपना डिस्ट्रिक्ट आप डाल देंगे, जो भी डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड।
प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे, जो एड्रेस यहाँ पर होगा ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। अलग है तो आप दोनों अलग अलग डाल सकते हैं। उसके बाद टेंथ क्लास की मार्कशीट, किस ईयर आपने टेंथ क्लास पास की है वो यहाँ पर आपको फिलअप करना है, जिस ईयर आपने जो है टेंथ क्लास पास की है। उसके बाद बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम, मार्क्स यहाँ पर डालना, टोटल मार्क्स, ऑप्टेंग मार्क्स, परसेंटेज आपकी काउंट हो जाएगी, मार्कशीट नंबर डालना है, और यहाँ पर अपनी टेंथ क्लास की मार्कशीट है वो अपलोड करनी, 50 से 100 के बीच साइज है, 100 PDF में आपको अपलोड करनी है। उसके बाद टेक्निकल क्वालिफिकेशन, यहाँ पर जो है टेक्निकल क्वालिफिकेशन आपको जो है वो डालनी है अपनी। यहाँ पर अपनी ट्रेड डाल देंगे आप, जिस भी ट्रेड से आपने ITI कर रखी, जैसे मैंने यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिशियन डाल दिया है। ईयर ऑफ पासिंग, किस ईयर आपने जो है जो ITI वो की है वो यहाँ पर आपको डालना है। उसके बाद यहाँ पर टोटल मार्क्स, ऑफ टाइम मार्क्स डाल के, और यहाँ पर आपकी परसेंटेज काउंट हो जाएगी। उसके बाद नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट का नाम, ट्रेड सर्टिफिकेट नंबर, उसके बाद इस अथॉरिटी का नाम डालना है जिसने सर्टिफिकेट जारी, NCVT जिससे भी सर्टिफिकेट आपको वो डाल देंगे, और यहाँ पर अपनी मार्कशीट अपलोड करनी, इसका साइज भी 100 KB रखा गया, PDF में ये भी आपको अपलोड करना है। उसके बाद नीचे आएंगे तो डॉक्यूमेंट, यहाँ पर अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपको जो है अपने फ़ोटो और सिग्नेचर जो है वो अपलोड करना है। यहाँ पर जो है आपको जो है अपना अपलोड सर्टिफिकेट वो अपलोड करना है आपको यहाँ पर। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको फ़ोटो अपलोड करना है जिसका साइज 20 से 70 KB है, यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करके आपको फ़ोटो अपलोड करना है। उसके बाद सिग्नेचर अपलोड करना है जिसका साइज 10 से 30 KB है। उसके बाद लेफ्ट थंब इंप्रेस है जो आपका वो अपलोड करना है जिसका साइज है 10 से 30 KB। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर डिक्लेरेशन देना है और अपडेट नाउ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद देखिए जैसे ही आप अपडेट कर देंगे तो यहाँ पर आपका जो है मतलब एप्लीकेशन नंबर आपको दिखा देगा। उसके बाद नीचे आना है तो आपको पेंडिंग दिखाएगा, मतलब ये आपका जो फाइनल रजिस्ट्रेशन हो पेंडिंग है अभी कंप्लीट करनी है आपको। पेमेंट स्टेप 3 पर आपको जो है पेमेंट कंप्लीट करनी है अपनी। देखिए जो स्टेप 3 है इसमें आपकी 100 रुपये आपकी फ़ीस लगेगी। जनरल OBC EWS के लिए जो फीस है वो 100 रुपये है। SC ST की इसमें कोई फ़ीस नहीं है। अगर आप UR OBC या EWS कैटेगरी से तो इसमें आपकी 100 रुपये फ़ीस लगने वाली, 100 रुपये फ़ीस आपने इसमें पे करनी है। उसके बाद यहाँ पर पे नाउ का ऑप्शन दिया गया, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे पे नाउ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन दिया गया, सबमिट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी अमाउंट आ जाता है, मतलब 100 रुपये आपकी फ़ीस है इसमें। जैसे चाहे वैसे फ़ीस पे कर सकते हैं आप, UPI से, QR कोड से, नेट बैंकिंग से। जैसे मैंने यहाँ पर QR सेलेक्ट कर लिया तो इसमें 103 रुपये लगेंगे अगर आप QR से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर जनरेट UPI QR पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका QR जो है वो आ जाएगा। इसे आप स्कैन करके जो अपनी फ़ीस पे करेंगे 103 रुपये, इसमें आपकी 3 रुपये इसमें एक्स्ट्रा चार्ज आपका लगने वाला है। तो ऐसे आपको फॉर्म फिलअप करना है बिना किसी गलती के। फीस पे करने के बाद आपको जो जैसे ही आप फीस पे कर देंगे उसके बाद अपना प्रिंट आउट निकालेंगे, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको प्रिंट आउट निकालना है सिर्फ, और कुछ नहीं करना अब।